इसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, जैसे हमने देखा था 0, 30, 45, 60 या 90, उनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यूज को हम कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे पास पेपर में भी ऐसे ही आता है, जैसे साइन 45 आपके पास आया है इंटू कॉस 60 आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया उन्होंने। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 1/2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/√2। सिंपली आपको निकालना होता है आंसर। बट एक बच्चे को एक इस क्वेश्चन को करने से पहले उसे यदि वैल्यूज ही नहीं पता कि साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, वहां पे आ गया हमारे पास टैन 45, बच्चे को ही नहीं पता है कि वो 1 होती है, तो करना तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई था लेकिन वैल्यूज तो याद होनी चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम बात करेंगे इन वैल्यूज को याद कैसे किया जाए। सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से एंगल्स के बारे में, पढ़ा है हमने 0, 30, 45, 60 एंड 90। हम नॉर्मली 5 एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। हमने क्या करा, हमने लिया 0, 1, 2, 3 और 4, ये भी 5 वैल्यूज हैं, और अपॉन में हमने कर दिया है 4, ठीक है ना। अब इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। इसे अलग करें तो 0/4, इसे 1/4, इसे बेटा 2/4 कट सकता है ना, 1/2, 3/4 और 4/4 क्या होगा, 1/1। तो 5 ही थे हमारे पास भाई, 0/4 0, 1/4 यदि रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2, इसे रूट से बाहर निकालोगे तो 1/√2, इसको बाहर निकालोगे तो √3/2 और ये 1। अब आप बोलोगे ये सर ये किसकी है, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दिस इज फॉर साइन। जब हम बात करते हैं साइन थीटा की, और जब हम बात करते हैं एंगल, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो हमने इसको सॉल्व किया, देखो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको 5 नंबर लिखने हैं, उसके बाद सबको डिवाइड करना है 4 से, रूट के अंदर था तो उसको अलग अलग कर लेना, तो हमारे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2 और साइन 90, 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं साइन की, इस सब की अब वैल्यू हो चुकी है, अब खत्म। ये समझ में आ गया आपको। कभी भी ऐसा कभी होता है कि आप 2, 4, 6, 8, 10 साल के बाद भी आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन पूछ ले, और आपको ये नहीं होना चाहिए यार वैल्यूज तो मुझे याद नहीं, ये सिंपल फंडा आपको याद रखना है, जिससे कि आप साइन की वैल्यू तो निकाल सकते हो। अब एक चीज सुनो, यदि हम इसे कर दें कॉस की वैल्यू हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, पेपर से पहले एक काम कर लिया करो, जब कभी भी आप पेपर देने जा रहे हो उस क्वेश्चन में आपने देखा उस पूरे पेपर में कि 2 से 3 बार हमारे पास ये चीज यूज हो रखी है, तो साइड में छोटी सी टेबल बना लो, कभी भी वैल्यू गलत नहीं होगी, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। रैंडमली यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज रामबाण इलाज यही है, टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसे उल्टा कर दो, जो साइन 90 था उसे यहां पे ले आओ 1, फिर इसके बाद क्या था √3/2, इसे यहां पे फिर 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0, ये हमारे पास आ गया सिंपल। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन क्या होता है भाई, टेन होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, ये होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भाई 0/1, 0 होता है तो यहां पे 0 लिख दो। साइन 30 कॉस 30 क्या है, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√2 √3 आ गया, बहुत ही बढ़िया। 1/√2 डिवाइड करो तो 1 आएगा। साइन 1060 √3/2 1/2 काट दोगे तो √3 आ गया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे पास 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। जो हमने 10 के साथ करा, यदि हम कॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो इसे उल्टा कर दो, तो जो बाद में था वो सबसे पहले, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। अब मुझे बताओ हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कॉसेक की। आपको पता है कॉसेक क्या होता है, आपके पास कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा, तो क्या करोगे 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा नॉट डिफाइंड।
वन बाय टू का रेसिप्रोकल करोगे तो टू, रेसिप्रोकल करोगे तो रूट टू, रेसिप्रोकल करोगे तो टू अपॉन रूट थ्री, रेसिप्रोकल करोगे तो वन, फिर क्या आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि जो कॉस की वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉस का इन्वर्स रेसिप्रोकल वन, इसका टू बाय रूट थ्री, इसका रूट टू, इसका टू और इसका नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। या आप ये भी कह सकते हो जो कॉसेक का उल्टा होता है वो सेक होता है, देखो जो लास्ट में था वो सबसे पहले, फिर ये इधर टू इधर और नॉट डिफाइन इधर। तो दोस्तों हमने सारे छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली, हमने देखा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं, और सबसे बड़ा प्रिंसिपल जिसके बेस पे हमने निकाला है दैट इज 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4, अलग अलग कर देना आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी, उल्टा कर देना कॉस, डिवाइड कर देना टेन, उल्टा कर देना कॉट, रेसिप्रोकल कर देना इसका तो कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल तो सेक आ गया। तो सिमिलरली आपके पास ही बन चुकी है अब टेबल, आपको सिर्फ करने क्या है अब क्वेश्चंस।